सूरजगढ़ विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार नोरंग डांगी ने रैली निकालकर अपना नामांकन रिटर्निंग अधिकारी सुनील चौहान के समक्ष पेश किया, जहां रिटर्निंग अधिकारी ने चुनावी प्रक्रिया के दौरान पूरी नियमों का पालन करने को लेकर शपथ दिलवाई। रैली सिंगाणा बाईपास से शुरू हुई, जो सिंगाणा कस्बा, हुक्मा की डाणी, मोई, बेसावता, जमल का बास, पुआणिया, सावलोत, सागा, गुजरवास, थली, कलाखरी, मानपुरा होते हुए बुहाना पहुंची। रैली में काफी संख्या में वाहनों का काफिला शामिल था। इसके बाद एसडीएम कार्यालय पहुंचकर डांगी ने अपना नामांकन दाखिल किया। निर्दलीय उम्मीदवार डांगी ने खुले वाहन में सवार होकर सबका अभिवादन कर रहे थे। इस दौरान जगह जगह काफिला का स्वागत भी हुआ, समर्थकों ने माला पहनाकर सम्मान किया। वहीं कुछ समर्थकों ने डांगी को अपने कंधों पर उठा लिया। नामांकन दाखिल होने के बाद डांगी ने क्षेत्र में पहुंचकर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए चुनावी रण में शंखनाद कर दिया। डांगी ने शनि महाराज, बेरू महाराज, बालाजी, हीरामल, माजरी आश्रम, काली मंदिर बड़बर में दर्शन कर जीत की मनोकामना करते हुए समर्थकों को संबोधित भी किया। हमने आज हमारा नामांकन दाखिल कर दिया है और जनता के सामने हमने हमारे मुद्दे पहले से ही डिक्लेयर कर रखे हैं। मैं पुनः आपको रिपीट कर देता हूं, हमारा पहला मुद्दा है कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का पानी लाना, जिसके लिए हम पिछले 6-7 महीने से संघर्षरत हैं और हमने आमरण अनशन तक का जयपुरम करके आए हैं। दूसरा हमारा मुद्दा यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर जो आतंक मचा रखा है, दोनों ही पार्टी के नेताओं ने भयानक गुंडागर्दी कर रखी है, जमीनों पर कब्जा करना, RC बिजली के बिल कटवाना और लोगों के ट्रांसफ़र करवाना, धमका धमका के ट्रांसफ़र करवाना, ये जो आतंक भय पैदा कर रखा है जनता में, हम उस भय को दूर करेंगे। और तीसरा हमारा मुद्दा होगा जो महिलाएं बेचारी आज के टाइम पर, ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिनका शाम को तवा नहीं जलता है, हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि उनको कोई ना कोई रोज़गार अवश्य मुहैया करवाया जाए।